इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड क्या करते हैं आप, वो भी थोड़ा सा मालूम करना चाहेंगे। मेरा नाम सुमित है, मैं एक एक्टर हूँ और पिछले 5 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया। अब हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी पीहू, जो फेमस टीवी स्टार सनाया रानी जी, उनके साथ किया मैंने शॉर्ट फिल्म। और अब मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही, फीचर फिल्म है पाखी, जो एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज। बहुत ही प्यार से बनाई है हमने फिल्म, आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है जिन लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने देखा है ये इस मूवी को, तो दर्शकों को बहुत पसंद आई। ओके, करम योगी जैसा जो मुझे पता चला, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो क्या साइड है आपकी, यू नो? जी, मेरा एक और पहलू है, बेसिकली मैं मेडिटेटर भी हूँ, जिसको हम कहते हैं ध्यान करना, अंदर की अंतर्मन में झांकना, वो भी मैं करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को मेरी मेडिटेशन और हीलिंग भी सिखाई है। मेडिटेशन का नाम है कर्मा योगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली लोगों के अंतर्मन में जो घाव है उन पे मरहम लगाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ओके, जर्नी क्या इतनी आसान है? आपने कहा पीहू का जिक्र किया, फिर आपने पाखी का जिक्र किया, आपने थिएटर किया, बॉलीवुड का रुख कब किया, क्या इतनी आसान है जर्नी, जितनी आसान लफ्जों में आपने बता दी? देखिए, जर्नी तो कोई भी आसान नहीं होती है, मेहनत तो सबको करना ही होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कर्म पे बहुत विश्वास रखता हूँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही। फल की कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, बट मैं कहता हूँ कि फल की चिंता मत करो, बट फल की आप अवेयरनेस ज़रूर रखो कि फल आपको कैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। ओके, पीहू का हिस्सा कैसे बने? पीहू के बाद पाखी हुई है, दोनों स्टार्ट विद पीहू देन पाखी। जी, हाउ यू फील? बहुत फ़र्क है इन दोनों मूवीज़ के अंदर। पीहू एक रोमांटिक एंगल है, एक लव स्टोरी है, और इसके अंदर बेसिकली क्या मोमेंट्स होते हैं जब आपके कोई बहुत करीबी हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बिछड़ जाए और सडनली आपको पता लगे कि आप उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, तो क्या क्या गुजरता है आपके साथ, ये बेसिकली उस मोमेंट्स के ऊपर है। और पाखी ये बहुत ही डार्क एनर्जी और डार्क फिल्म है, जिसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेलेवेंट टॉपिक है। आजकल बहुत बातें भी हो रही है एंटी ट्रैफिकिंग को लेकर, और ये सब्जेक्ट बेसिकली वही है कि कैसे कैसे हमारे जो शहर है, हमारे जो देश है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक घंटे में 100-100 लड़कियां, 100-100 बच्चे ट्रैफिक हो रहे, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और हाँ, ये जर्नी थोड़ा सा मैं इतना भी मुश्किल नहीं कहूँगा, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स को लाना समाज के सामने एक चैलेंजिंग इशू तो रहता ही। ओके, जब सब्जेक्ट ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जब हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो वहाँ आपका किरदार कितना इम्पोर्टेंट था, वो जानना चाहूँगा। और क्या इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे के बावजूद भी क्या किरदार जस्टिफाई कर पाएगा, या वो अहम किरदार जो आपने किया कि वो कहानी को आगे ले जाता है? देखिए, जस्टिफाई करेगा या नहीं ये तो दर्शकों के ऊपर है, उनको कैसे पसंद आता है किरदार, बट हमने बहुत मेहनत करी है, हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को हमने दिखाया है कि कैसे कैसे 10 साल की बच्चियों की शादी हो जाती है 60 साल के बूढ़ों के साथ, कैसे कैसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं बच्चों को, हार्मोन इंजेक्शंस, ताकि उन्हें बड़ा किया जाए प्यूबर्टी के लिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमने दिखाए हैं मूवी के अंदर। लेकिन हमने इस तरीके से दिखाया है ताकि आप फैमिली के साथ बैठ के भी देख सको, बहुत ही क्लीन लैंग्वेज हमने रखी है, बहुत ही क्लीन हमने सिनेमा रखा है इसके अंदर, ताकि अवेयरनेस भी इसमें फैले। लेकिन ये सिर्फ एक आर्ट मूवी नहीं बने, ये एक कमर्शियल हिंदी सिनेमा हमने इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, ताकि सब परिवार बैठ के साथ में देख सके और इंजॉय भी कर सके इस मैसेज को। क्या आप मानते हैं नेपोटिज्म है? देखिए, नेपोटिज्म तो हर जगह ही है, बट इन फ्यूचर आपका जो भी टैलेंट है वही आपको आगे ले जाएगा। क्या प्लानिंग है इसके बाद, और पाखी को पाखी से कितनी उम्मीदें हैं, और क्या रिस्पांस रहा है आपका? पाखी को रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत तारीफ की है, A to Z सब लोगों ने, जो भी अंदर बैठ के उन्होंने ट्रेलर्स देखे हैं, सॉन्ग्स देखे हैं, कुछ मूवी के डम फाइल्स देखी है, कुछ एडिटिंग रूम में बैठ के जो लोगों ने देखा है उनको बहुत पसंद आई है मूवी। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स है इसके अंदर, और स्टोरी बेसिकली आजकल की मूवी में तो कंटेंट होनी चाहिए, कंटेंट इज़ द किंग, और एक इमोशनल जर्नी है ये,
बेसिकली बच्चे की इमोशनल जर्नी है, बहुत सारी मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत मजा आएगा लोगों को देखने। आप खुद एक हीलर है जैसे आपने बताया कि आप यू नो वो काम भी करते हैं, तो एक नेगेटिव किरदार निभाना वो कितना चैलेंजिंग है, वो तो अपने आपके स्पेस से बाहर का है, मतलब वो आप है ही नहीं। आई थिंक इस मूवी को करने में मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि बेसिकली मेरा वो कैरेक्टर है ही नहीं, तो जब तक मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, जब तक मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, वो कैरेक्टर कर कैसे पाऊंगा। तो ऑफकोर्स मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर को लाने के लिए, बट कहते हैं अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो हाथ तो मैले होंगे ही, किसी ना किसी को ये बीड़ा तो उठाना ही पड़ेगा इस कैरेक्टर को निभाने के लिए। आई थिंक ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के, जो घरों में आए ये स्टोरी, कि उनको समझना है कि हो क्या रहा है सिर्फ देश में नहीं वर्ल्ड में। ओके, क्या आपको लगता है इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाती है, इसको टैक्स भी होना चाहिए, और क्या आपकी बात चल रही है, हैव यू स्पोकन टू समबडी, यू नो अरविंद केजरीवाल द सीएम ऑफ दिल्ली, मतलब ही इज द वन हु कैन टेक द कॉल, अगर वहां से हम शुरुआत करें, और बहुत जरूरी है क्योंकि एक सेंसिटिव मुद्दा है। सिर्फ एक स्टेट नहीं, आई थिंक सारे स्टेट्स को मे बी सपोर्ट करें हमारी मूवी को तो और अच्छा भी रहेगा। जैसे मैं बोल रहा था एक्चुअली पार्लियामेंट में भी इस बात की अभी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, तो आई थिंक सारे सपोर्ट सारे स्टेट्स अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो इट बी वेल एंड गुड। डू यू वांट द फिल्म टू बी टैक्स फ्री? अगर ये बेस्ट है हमारी सोसाइटी के लिए तो ऑब्वियसली। क्या टैक्स फ्री करने से आपको लगता है कि आईबॉल ज्यादा मिलेंगे, बहुत लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचेगा जो आप देना चाह रहे हैं फिल्म के माध्यम से, एक सेंसिटिव मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल, अगर जैसे कह रहे टिकट प्राइस कम होगी, सप्लाई एंड डिमांड का रूल है, अगर हम कुछ एडवांटेज देंगे लोगों को, दर्शकों को देखने के लिए मूवी, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी और फिर ये अवेयरनेस और ज़्यादा और जगहों पे भी पहुँचेगी। ओके, इसके अलावा और क्या प्लान कर रहे हैं आप, और क्या है बाइक? आगे एक लव स्टोरी है जो हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं 2019 के आसपास की रिलीज हम देख रहे हैं उसके आसपास, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है ये, थोड़ा डार्क कैरेक्टर है इसके अंदर, बहुत पावरफुल है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो थोड़ा रोमांटिक एंगल होगा, एंड इट विल बी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑडियंस को बताते रहेंगे क्या हो रहा है उस मूवी में। क्या आप, आपको खुद लगता नहीं आप शाहरुख खान की नक्शे कदम पे चल रहे हैं, डर से फिर सीधा लव स्टोरी? एक्चुअली मैंने तो कोई कदम चुना ही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कर्म जो है मुझे चुन रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लॉ ऑफ कर्मा हमें आगे बढ़ाएगी। ओके, क्या वो आसान होगा आपके लिए करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव किरदार अपनी इमेज के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट किरदार कर चुके हैं, आप रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं? देखिए मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर को हर एक रोल को जस्टिफाई करना है, मैं थिएटर बैकग्राउंड से भी रह चुका हूँ, तो मैंने थिएटर में बहुत सारे रोल किए, मेरा पहला रोल 65 साल के एजेड आदमी का था, तो जब मैं वापस गया और ऑडियंस की अप्रिसिएशन मिली, वो ढूंढ रहे थे वो कैरेक्टर किधर है, फिर मैं तो जब आया बोला अरे आप तो बड़े यंग है, आपने 65 साल का रोल बड़े अच्छा किया, सो आई वॉज प्लेइंग 65 ईयर ओल्ड। मैं उसके बाद एक रोमांटिक कैरेक्टर प्ले किया, मैंने उसके बाद एक थोड़ा डाइसी कैरेक्टर प्ले किया, थोड़ा क्रिमिनल कैरेक्टर, थोड़ा मेंटल कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, तो जितने वर्सेटाइल रोल्स आपको मिलेंगे एक एक्टर के लिए बेटर ही है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। ओके, आपने 65 साल का जिक्र किया, आई आल्सो रिमाइंड यू व्हाट वन फेयर ऑफ डार्लिंग सारंश, क्या कोई रेफरेंस लिया था द टाइम व्हेन यू हैव डन दिस थिएटर? सिर्फ उनसे ही नहीं, मैंने बहुत सारे प्लेज देखे हैं, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, तो आई थिंक उन सब के जो है मिले जुले एनसेंबल, उन सब का रेफरेंस उस कैरेक्टर के लिए था, वो प्ले था ऑल माय सन्स का बाय आर्थर मिलर, उसमें फादर का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने। ओके, वेब सीरीज का दौर चल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना सब कुछ आ रहा है, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन से दिग्गज कलाकार सुजय घोष, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर गिवन अ चॉइस यू नो, क्या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहेंगे? इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ओपननेस जब हम सेक्स की बात करते हैं, लव मेकिंग सीन्स की बात करते हैं, क्या आप ओपन है उन सब चीज़ों के लिए? I'm not sure about sex or nudity, but depending on the story, depending on the content, I will choose my rules properly. You know, do you agree what Nawaz have done in Secret Games is justified? वो character की demand थी. Whatever he did was, I think, fantastic, fantastic acting. अगर आपको मौका दिया है तो you are ready for it? I'll have to see at that point of time, am I ready for that kind of role or not? Thank you so much. जी बिल्कुल होनी चाहिए टैक्स फ्री, जैसे हमारी बेहतरीन मूवीज़ रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, इन्होंने इतना अच्छा सोशल मैसेज दिया है, और टैक्स फ्री के बाद ये फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं हुई है, ये फिल्म बेसिकली इन्होंने एक सोशल मैसेज दिया है, सैनिटरी पैड्स के ना जो दाम है वो कम हो गया, और घर घर में शौचालय, ये जो मैसेज था ये पूरे
इंडिया में फैल चुका है. आई थिंक ये जो हमारी मूवी है पाखी, इसका इतना बड़ा सोशल मैसेज है. आई मीन बच्चों की ट्रैफिकिंग, इतना इमोशनल इशू है, पूरी जनता जो है इससे मतलब परेशान है और कोई कुछ कर नहीं रहा है. मतलब कल कोई आपकी बच्ची हो सकती है, किसी की भी, आपके पड़ोसी की बच्ची हो सकती है. मतलब ऐसे उठा के ले जाते हैं लोग, कोई कुछ कर नहीं रहा है. इसको तो टैक्स फ्री होनी चाहिए, सारे स्टेट्स मिलके इसको अगर आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे तो ये जो मैसेज है ऐसे ही रह जाएगा, ये भी स्टोरी जो है लोगों के पास आएगी नहीं. हर एक घंटे में एक बच्चा ट्रैफिक हो रहा है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है. तो क्या कर क्या रहे हैं लोग. तो आई थिंक सिर्फ टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और सेंसर बोर्ड को भी सपोर्ट करनी चाहिए. जो ये रीसर्टिफिकेशन का इशू है, आई थिंक इसको भी क्लियर करना चाहिए ताकि लोग फिल्म देखें कि असलियत में हो क्या रहा है. जब तक लोगों को समझ भी नहीं आएगा, सब कुछ उन्होंने जो है आइसिंग कर रखी है ऊपर, पर अंदर कोई दलदल में देखना नहीं चाहता कि हो क्या रहा है. वो मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए. जब तक वो मैसेज लोगों के पास जाएगा नहीं तो उस पर एक्शन लिया लेगा कौन. आपको लगता कि स्मृति ईरानी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रही हैं, उनसे बात करी जाए या सीएम अरविंद केजरीवाल से बात करी जाए इस मुद्दे को लेकर, टैक्स फ्री को लेकर? देखिए सीएम यूपी के सरकार में जो बैठे रहे हैं उन्होंने भी हमेशा से इस तरह के सोशल मुद्दे को सपोर्ट किया है, अरविंद ने भी हमेशा स्वागत किया है इस तरह के सोशल मैसेज का. क्या आई यू प्लान टू टॉक मिस्टर अरविंद केजरीवाल और सीएम? बिल्कुल, प्रोडक्शन हाउस को जो है अरविंद जी से बात करनी चाहिए, योगी जी से बात करनी चाहिए. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जी के साथ अक्षय कुमार बैठे थे, उन्होंने मुलाकात भी की थी अपनी मूवीज़ के लिए, जो सोशल मैसेज उन्होंने प्रमोट किया था टॉयलेट के लिए. और इससे बहुत बेटर हो गई हमारी सोसाइटी. और ये फिल्म तो बच्चों के बारे में, आई मीन चाइल्ड मैरिज का हम इशू उठा रहे हैं और ये रियलिटी में हो रहा है. 10-10 साल की बच्चियाँ जो है उनके 60-60 साल के लोगों के साथ हो जाती है और फिर क्या होता है उनका हशल, ये तो आप सबको पता ही है. फिर पेपर में आती है बाद में, फिर बाद में कुछ कर रहे हैं हम, बाद में तो टू लेट हो गया. पहले क्या कर रहे हैं हम, ये मूवी उसके बारे में. ये बेसिकली क्या है, ये जो माँ बाप ने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी है कि बच्चियाँ जो होती है वो तो किसी काम की होती नहीं है, उनको तो आगे जाके कमाई करेंगे नहीं, तो ये लोग जो है बच्चों को बेच देते हैं और फीमेल फिटिसाइड करते हैं. इससे जो है पूरा सप्लाई डिमांड जो है गड़बड़ हो गई है, फिर औरतों की और डिमांड बढ़ती है और ये बच्चों को ऐसे ऐसे बेच देते हैं. और इसी की वजह से ये सारा जो है रैकेट चल रहा है वर्ल्ड के अंदर. जब तक हम अपनी मानसिक सोच में तब्दीलियत नहीं लाएंगे कि जो है बेटी जो है वो किसी काम की नहीं है, उसे पैसे नहीं आने वाले घर में, इस मानसिक विचारधारा को हमें जो है बदलना पड़ेगा. जो इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है और आई थिंक ये फिल्म भी जो है इसको प्रमोट करती है.